हेलो खुनी गेमर्स फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। तो गाइस आज की वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देख लिया, तो आज की वीडियो होने वाली है आप लोगों की सीक्रेट फायर वाले बटन की साइज उसकी पोजीशन के ऊपर। तो गाइस देखो, आज से पहले आप लोगों ने फायर वाले बटन की साइज उसकी पोजीशन के ऊपर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिनमें आप लोगों को अलग अलग तरीके बताए जाते हैं, लेकिन आज की वीडियो जो होने वाली है बिल्कुल प्रूफ के साथ होने वाली है। आप लोगों को मैं प्रूफ के साथ समझाने वाला हूँ कि आप लोगों के जो फायर वाले बटन की साइज और उसकी पोजीशन होती है वो किस तरीके से वन टैप मारने में काम आती है और किस तरीके से हेडशॉट मारने में काम आती है। तो यहाँ पर मैं आपको सब कुछ प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। तो मेरी तुम सभी से आज छोटी रिक्वेस्ट है कि मेरे कहने से आज की वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। तो चलो गाइस बिना किसी टाइम वेस्ट किए अभी हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन गाइस यहाँ पर मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले आज की इस वीडियो में 500 डायमंड का गिव अवे और चल रहा है। आप में से 5 रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से मैं 100 करके डायमंड है वो दूंगा। ये जो 500 डायमंड का गिव अवे है वो बिल्कुल फ्री है। तो अगर आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, फ्री फायर के अंदर फ्री में 500 डायमंड जीतना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आज की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स जाना है, कमेंट बॉक्स जाके आपको बस अपनी यूआईडी साथ मैसेज डाल देना है। एक और सबसे इंपोर्टेंट बात की देखो, इसके बदले में ना तो मैं आपसे कोई आपके आईडी पासवर्ड मांगता हूँ, ना ही मैं आपसे कोई पैसे वैसे मांगता हूँ। मैं बस आपको इतना बोलता हूँ कि कमेंट बॉक्स में जाके अपनी यूआईडी साथ मैसेज डाल दे। तो अभी हम बात करते हैं विद प्रूफ के साथ कि आप लोगों को अपने फायर वाले बटन की जो साइज है उसे कितना रखना है। तो यहाँ पर आप लोगों को कस्टम एचडी के अंदर जाना है। जैसे कि आप लोग कस्टम एचडी के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको फायर वाले बटन की 3 साइज मिलती है। पहली तो होती है सबसे कम 10%, दूसरी होती है 50 और तीसरी होती है आप लोगों की 100। आप लोगों को अपने फायर वाले बटन की साइज को ऐसा कितना रखना है जिससे गाइस आप लोगों के सामने वाले बंदे को ओनली और रेड नंबर ही पड़े। तो गाइस सबसे पहले मैं अपने फायर वाले बटन की साइज को 10% पे सेट करता हूं। देन उसके बाद मैं यहां पर आप लोगों को वन टैप भी मार के दिखाता हूं, हेडशॉट भी मार के दिखाता हूं। तो जब मैंने अपने फायर वाले बटन की साइज को 10 पर सेट किया, उसके बाद मैं जब ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर गया, तो आप लोग जैसा गेम प्ले में देख पा रहे हो कि मेरे नेक्स्ट लेवल के वन टैप पड़ रहे और नेक्स्ट लेवल के हेडशॉट पड़ रहे हैं। तो गाइस यहां पर ये बात तो क्लियर हो गई कि फायर वाले बटन की साइज को 10% पे करने पे भी आप लोग के नेक्स्ट लेवल के वन टैप पड़ते हैं। तो चलो अपन एक काम और करते हैं कि मैं वापस से अपनी कस्टम आईडी के अंदर आया। यहाँ पर मैंने अपने फायर वाले बटन की साइज को मीडियम पे सेट कर दिया। मीडियम फायर वाले बटन की साइज होती है 50 पे। अब 50 पे हम देखते हैं कि हमारे जो 10% पैसेट पड़ रहे थे वो हमारे 50 पे पड़ते हैं या नहीं पड़ते। तो जब मैंने अपने फायर वाले बटन की साइज को 50 पे सेट किया, देन उसके बाद मैं ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर गया, तो वहां पर तुम देख सकते हो कि मेरे जो 10% पैसेट पड़ रहे थे वो ही मैंने अपने फायर वाले बटन की साइज को 50 पे किया, तब भी मेरे ओनली और रेड नंबर ही पड़ रहे हैं। तो भाई यहाँ पर 10 पे भी अच्छे पड़ते हैं और 50 पे भी अच्छे पड़ते हैं। तो चलो भाई अपन एक काम और करते हैं कि मैंने अपने फायर वाले बटन की साइज को 10 पे सेट करके भी दिखा दिया, 50 पे भी सेट करके दिखा दिया। अभी हम अपने फायर वाले बटन की साइज को 100 पे सेट करके रखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पहले जैसे वन टैप पड़ते हैं या फिर पहले जैसे हेडशॉट पड़ते हैं या नहीं। तो जैसा कि आप लोग यहां पर गेम प्ले में देख पा रहे कि जो मेरे वन टैप 10% पे करने पे पड़ रहे थे, 50% करने पे पड़ रहे थे, वो ही मेरे फायर वाले बटन की साइज को जब मैं 100 किया तब भी मेरे ऐसे ओनली और रेड नंबर ही पड़ रहे हैं। अब देखो इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि फ्री फायर के अंदर किसी भी बंदे को हेडशॉट मारने के लिए पर किसी भी बंदे को वन टैप मारने के लिए आप लोगों के फायर वाले बटन की साइज ज्यादा मैटर नहीं करती है। क्योंकि अगर फ्री फायर के अंदर फायर वाले बटन की साइज मैटर करती तो आप लोगों की भी वही फायर वाले बटन की साइज होती, मेरी भी वही फायर वाले बटन की साइज होती है। फ्री फायर के अंदर जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं सभी की फायर वाले बटन की साइज सेम होती है। देखो कई कई बार होता क्या है कि अगर आप लोग अपने फायर वाले बटन की साइज को बहुत ज्यादा छोटा करके रखते तो उस टाइम पे आप लोगों से फायर ही नहीं होता, या फिर आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो कि अपने फायर वाले बटन की साइज को बहुत ज्यादा बड़ा करके रखते, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आप लोग का थंब बार बार फायर वाले बटन पे जाएगा, आप लोग गेम के अंदर मिस फायर बहुत ज्यादा होगा। तो आप लोगों को मैं अपनी तरफ से कोई भी फायर वाले बटन की साइज बताऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि देखो अगर आप लोग के पास लो डिवाइस है, मीडियम डिवाइस, या फिर आप लोग के मोबाइल की स्क्रीन की साइज छोटी है, बड़ी है, या फिर बहुत ज्यादा लार्ज है, आप लोग चाहते हो कि मैं आपको मेरी तरफ से कोई भी फायर वाले बटन की साइज बताऊं, तो मैं आपको हमेशा एक ही फायर वाले बटन की साइज रिकमेंड करूंगा, वो है 50। या फिर आप लोग अपने मन के हिसाब से कितने भी अपने फायर वाले बटन की साइज को रख सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको प्रूफ के साथ बता दिया कि फ्री फायर के अंदर फायर वाले बटन की साइज वन टैप मारने के लिए और हेडशॉट मारने के लिए वर्क नहीं करती। फ्री फायर के अंदर फायर वाले बटन की साइज मैटर करे या ना करे, लेकिन जो फायर वाले बटन की पोजीशन होती है वो वन टैप मारने में भी मैटर करती है और हेडशॉट मारने में भी मैटर करती है। तो आप लोगों को ऐसे कौन से फायर वाले बटन की पोजीशन पर खेलना जिससे आप लोगों के सामने वाले बंदे को ओनली और रेड नंबर ही पड़े। उससे पहले मेरे तुम सभी से एक छोटी सी क्वेश्चन और है, एक सेकंड का टाइम निकाल के इसको भी सुन लेना। तो जैसा कि तुम सभी को पता है कि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, मैं अपनी वीडियो में आपको ए से लेकर जेड तक पूरा का पूरा प्रूफ करके या फिर पूरा का पूरा डिटेल में समझाता हूं। देखो इसके बदले में बस आपके थोड़े सपोर्ट की जरूरत है। तो मेरे भाई अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक वाला बटन दबा देना, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। आज आपको एक छोटा सा काम और करना है कि आप में से जो जो बंदा हमारे चैनल को आज न्यू सब्सक्राइब करे तो कमेंट बॉक्स में याद से न्यू सब्सक्राइबर लिख देना। अगर आप लोग मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हो तब आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके ओल्ड सब्सक्राइबर लिख के कमेंट करना। और यार देखो इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो एक बार मेरे कहने से नीचे साइड देखो आपको एक ब्लैक कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, सिंपली बस आपको उस पर प्रेस करना है, क्योंकि ना तो लाइक करने के पैसे लगते हो ना ही सब्सक्राइब करने के पैसे लगते। तो चलो अभी हम बात करते हैं सेकंड नंबर की ट्रिक के बारे में बात, वो है आप लोगों की सीक्रेट फायर वाले बटन की पोजीशन की। आप लोगों को अपने फायर वाले बटन की पोजीशन को ऐसा कितना रखना है जिससे आप लोग के ओनली और रेड नंबर ही पड़े। तो देखो आप में
से बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो कि अपने फायर वाले बटन की पोजीशन को लेफ्ट में रखते हैं, राइट में रखते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर करके रखते हैं। तो मेरे देखो, अगर आप लोग इसे बहुत ज़्यादा ऊपर करके रखोगे तो उस टाइम पर आप लोग स्टेट ड्रैग नहीं मार सकते, क्योंकि वहाँ पर आप लोग का स्पेस बहुत कम हो जाता है। आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे भी हैं जो कि अपने फायर वाले बटन को बहुत ज़्यादा नीचा करके रखते हैं। तो कहीं देखो, अगर आप लोग इसे बहुत ज़्यादा नीचा करके रखोगे तो उस टाइम पर आप लोग रोटेशन ड्रैग नहीं मार सकते, क्योंकि नीचे की साइड आप लोगों को स्पेस चाहिए होता है रोटेशन ड्रैग मारने के लिए। चलो अभी हम बात करते हैं कि आप लोगों को हमेशा अपना फायर वाला बटन किस जगह पर रखना है। तो जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हो कि जहाँ पे मैंने अभी अपना फायर वाला बटन रख रखा है, उसी जगह पर आप लोगों को अपना फायर वाला बटन ले जाके रख देना है। देखो, यहाँ पे रखने से होता क्या है कि आप लोगों को ऊपर की तरफ ड्रैग करने के लिए भी काफी स्पेस मिल जाता है। अगर आप लोग किसी बंदे को रोटेशन ड्रैग करके मारना चाहते हो तो आप लोगों को नीचे की साइड भी काफी स्पेस मिल जाता है। आप लोगों का जो फायर वाला बटन होता है वो हमेशा नीचे से थोड़ा सा ऊपर की साइड होना चाहिए, जहाँ पर मैंने इसे अभी रख रखा है। इसके साथ ही आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे जो कि फ्री फायर के अंदर ना तो टॉप करते ना ही आप लोगों के पास डायमंड लेने के पैसे, तो आज की इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ ही बताने वाला हूँ कि आप लोग फ्री फायर के अंदर फ्री में डायमंड किस तरीके से ले सकते हो। उससे पहले मैं तुम सभी से सेकंड टाइम रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ कि यार देखो, अब तो वीडियो को लास्ट भी आ गए, तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना यार। देखो, कितनी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है आप लोगों से लाइक और सब्सक्राइब करवाने के लिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो यार। तो कहीं देखो, अगर आप लोगों को फ्री फायर के अंदर फ्री में डायमंड चाहिए तो उस वीडियो की जो लिंक है वो मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर रखी, तो उस वीडियो को एक बार मेरे कहने से पूरा जाके देख लेना। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर जाओ। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।